तो नमस्कार फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पंचायत सीजन 3 के एपिसोड 8 हमला की। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत गणेश व उसकी बीवी रवीना से होती है, जो विधायक के घर पहुंच चुके होते हैं और वहां जाकर घोड़े के बारे में पूछते हैं, उसकी ब्रीड वगैरह के बारे में पूछते हैं। उसके बाद छुट्टन बोलता है कि ये घोड़ा तुम्हारी गाड़ी से महंगा पड़ेगा, तो रवीना उसको पैसे देती है और वहीं गणेश बोलता है जो पैसे बचे उनसे मिठाई खा लेना। उसके बाद विधायक घोड़े से मिलता है और उसे गले लगाता है और गणेश व रवीना से बोलता है कि इसे अपने बेटे की तरह रखना। उसके बाद गणेश घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है और घोड़े को गांव में लाया जाता है। जब गणेश घोड़ा लेकर गांव में आता है तो सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं। फिर सभी लोग गांव में घोड़े को घुमाते हैं, तभी उनको भूषण देख लेता है और छुट्टन को कॉल करके बोल देता है कि तुमने घोड़ा फुलेरा वालों को दे दिया। जब विधायक को पता चलता है तो विधायक अपनी बंदूक निकाल कर फुलेरा पर हमला करने के लिए बोलता है और अपने लोगों के साथ निकल जाता है फुलेरा पर हमला करने के लिए। तभी रास्ते में भूषण आ जाता है, जो गांव वालों से लड़ने के लिए मना करता है। तो विधायक भूषण पर गुस्सा करता है, वह छुट्टन पर भी गुस्सा करता है, वह उसे वहीं मारता भी है। वहीं विधायक भूषण को बोलता है कि 3 बजे तक अगर घोड़ा वापस नहीं आया तो वो हमला कर देगा। फिर भूषण पंचायत ऑफिस जाता है, जहाँ प्रधान जी व सभी वार्ड मेंबर से विधायक का घोड़ा वापस करने के लिए बोलता है। लेकिन वहीं सचिव वार्ड मेंबर से पूछता है घोड़ा वापस करना चाहिए या नहीं, तो वार्ड मेंबर मना कर देते हैं क्योंकि ये गांव की इज्जत का सवाल था। फिर वहीं सारे लोग ये डिसीजन लेते हैं कि घोड़ा नहीं लौटाना चाहिए, वह विधायक का सामना करेंगे। वहीं मंजू देवी कहती है कि पहले अपनी तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाएगा। उसके बाद सारे लोग अपने अपने हथियार लेकर पंचायत ऑफिस पर आ जाते हैं। वहां पर भी प्रधान जी सभी लोगों को बोल देता है कि अपनी तरफ से पहले कोई भी गोली नहीं चलाएगा और दूसरी तरफ से गोली चली तो मार देना है। वहीं दूसरी तरफ भूषण नेताओं वाला काम करता है, पहुंच जाता है पंचायत ऑफिस पर और बोलता है कि विधायक की गोली सबसे पहले हम खाएंगे। उधर विधायक टाइम देखता है कि अभी तक घोड़ा नहीं आया। वहीं दरोगा व कलेक्टर विधायक को समझाता है कि हमला मत करो, लेकिन वो नहीं समझता है। फिर दरोगा व कलेक्टर फुलेरा गांव जाते हैं, वह मंजू देवी व प्रधान जी को समझाते हैं कि घोड़ा वापस कर दो, लेकिन वो घोड़ा वापस करने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद विधायक अपने लोगों के साथ गाँव में आता है, वह आकर गाँव वालों पर बंदूक तान देता है। वहीं दरोगा व कलेक्टर दोनों टीमों को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी कलेक्टर के पास डीएम का कॉल आता है, वह विधायक से बात करने के लिए बोलती है, तो विधायक बात करता है। तभी डीएम एक सांसद को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती है, जो कि विधायक को समझाता है कि राजनीति कोई पहलवानी वाला खेल नहीं है, ये शतरंज का खेल है। उसके बाद विधायक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कहानी 15 दिन बाद दिखाई जाती है, जहां सचिव अपना MBA का एग्जाम देने जाता है, जिसे प्रधान जी विकास व प्रहलाद बस तक लेकर आते हैं। बस न आने तक वो लोग आपस में अपने अपने फ्यूचर की बातें करते हैं। वही उन लोगों के जाने की खबर भूषण किसी को दे देता है। उधर दूसरी तरफ बस आ जाती है, तभी 2 लोग बाइक पर आकर उन लोगों पर गोली चला देते हैं और आगे निकल जाते हैं। उसी बीच सचिव गाड़ी में बैठ जाता है और चला जाता है। वह बाइक वाले बंदे फिर वापस आ जाते हैं, वह प्रधान विकास व प्रहलाद पर गोली चलाते हैं। उसके बाद बाइक वाले दोनों लोग उन 3 लोगों को घेर लेते हैं, वह प्रधान जी पर गोली चला देते हैं। उसके बाद सचिव आता है प्रधान जी के पास, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहीं प्रहलाद सचिव को बोलता है कि गुस्से में कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सचिव हॉस्पिटल से बाहर जाता है, वह उसके पीछे प्रहलाद व विकास भी आ जाते हैं। वहीं विधायक व भूषण भी हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं, जहां सचिव भूषण को थप्पड़ मारता है। फिर वहां लड़ाई हो जाती है, फिर पुलिस उन लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है। वहीं DM चुनाव आयोग की घोषणा कर देती है और पंचायत चुनाव आने वाला होता है।
तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। तो दोस्तों ये थी पंचायत सीजन 3 की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक शेयर और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।